बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम बहुत ही अच्छा है और आज हम बना रहे हैं मटन पाए जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। और जैसे कि ईद आ रही है तो आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार से मटन पाए। सबसे पहले कढ़ाई हमने रखी है चूल्हे के ऊपर और इसमें डालेंगे घी। कुकिंग ऑयल नहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, घी इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा टेस्ट आएगा। चाहें तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, सब्ज़ इलायची, दारचीनी के 3 टुकड़े हैं छोटे, और ये 4 अदद लौंग। थोड़ा सा इनको हम रोस्ट होने देंगे। तो यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनको हमने कर लिया चॉप, मतलब बारीक बारीक काट लिया। तो अब ये हम डाल देंगे। अभी हम लहसुन अदरक का बनाएंगे पेस्ट। ये गया लहसुन और अदरक। लहसुन जो है ना ये घर का है और ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इसमें डाला जाता है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह। और साथ अदरक है। प्याज जो है ना उसको ब्राउन हमने ज़्यादा नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन अदरक जो है ना ये भी अच्छी तरह भुन गया और पाए जो है ना वो 8 हद हैं हमारे पास। उनमें कट्स जो है पहले से लगे हुए हैं तो ज़रूरत नहीं है इनको अलहदा करने की, ये वैसे ही अलहदा हो जाएंगे। ये देखें, थोड़ी देर के लिए इनको भूनेंगे हम। नमक, हल्दी, लाल मिर्च, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला जो है ना वो अच्छी तरह भुन गया। अब थोड़ा सा दही है हमारे पास, ये हम शामिल करेंगे। और दही जो है ना इसको भी हम अच्छी तरह पकने देंगे और इससे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जो हमने इसमें लहसुन डाला ना उसका अपना टेस्ट आएगा। लहसुन थोड़ा ज़्यादा हमने डाला तो घर का लहसुन है ना तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जब भी पाए बनाएं बड़े या छोटे लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अभी थोड़ी देर के लिए ऊपर दे देंगे ढक्कन। अल्हम्दुलिल्लाह दही जो हमने डाला था वो भी अच्छी तरह पक चुका है। तो अभी टाइम होता है इसमें पानी डालने का। बिस्मिल्लाह। पानी जो है ना, पानी आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको शोरबा चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं।
और पानी डालने के बाद इसे 3 से 4 घंटे मज़ीद पकना होगा, इसलिए उस हिसाब से पानी डालना होगा। पानी डालने के बाद एक दफ़ा हलाना ज़रूरी है, क्योंकि नीचे अगर थोड़ा बहुत मसाला लगा हो ना तो वो उतर जाए। इस तरह नीचे हम चम्मच अच्छी तरह फेरेंगे। तो अभी तकरीबन इसे हम 3 घंटे के लिए ना बिल्कुल मीडियम आंच के ऊपर पकाएंगे इंशाल्लाह। 3 घंटे बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। हवा चल रही है ना तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा हमें, और अभी मैंने थोड़ी आग तेज़ की है, नहीं तो मीडियम बिल्कुल आंच पे आग थी। तो अभी हम चेक करते हैं क्या पोजीशन। अरे वाह माशाल्लाह, खुशबू जो है ना वो तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3.5 घंटे हो गए हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट हमारे तैयार हो गए हैं पाए। लास्ट में जो हम डालेंगे वो है पिसा हुआ गर्म मसाला। और अभी से हम डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह ये लुक आई है। चम्मच जो है ना वो हमारे पास है थोड़ा छोटा। अदरक कटा हुआ और सब्ज़ मिर्च हमने इसके ऊपर गार्निश की है, तो अभी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 घंटे की मेहनत के बाद अभी हम टेस्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लाजवाब चीज़ तैयार हुई है। माद भाई आपको क्या माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। ये है हमाद भाई और ये मेरे कज़न हैं। जो चीज़ आपकी किस्मत में होती है ना, कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, और ये अभी आए हैं तो जैसे ही ये आ रहे थे हमारा जो है वो बिल्कुल पाए तैयार थे। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।